आज सब्जी लाने के लिए तुम तैयार कैसे हो गए? मम्मी रोज कद्दू लौकी ही बना रही है। कह रही थी कि कोई और सब्जी आ ही नहीं रही। मुझे कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं। आज मैं अपनी पसंद की सब्जी आ लूंगा। बड़ी मुश्किल से बची है बेटा। कौन ले गया? मवेशी यानी गाय, भैंस, बैल, सांड, ये सब बेटा इतने खुले जानवर हो गए हैं कि किसी का खेत बचता ही नहीं है। रोज रात में हमला करके सब खा जाते हैं। ये तो बहुत ही सीधे जानवर होते हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे मिर्ची भाग रही है, पकड़ो। नहीं महंगी इम्पोर्टेड सब्जी है, हमारे बॉस तोताराम ने मंगाई है। सब पनीपुरा वालों की भलाई के लिए। ओ ऐसा क्या, कई और सब्जियां भी नहीं है, अब क्या करें? यानी अब लेनी ही पड़ेगी। सब्जियां ही सब्जियां। शहर में सब्जी ना होने का तोता अंकल फायदा उठा रहे हैं। अगर जानवर हमारे खेत ना खाते बेटा, तो पानीपुरा में सब्जियों की कभी कमी ना हो। इन जानवरों से बात करनी होगी अंकल। हमें अपने खेत पर ले चलेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं। इन्हें भगा कर ही रहेंगे। नहीं नहीं इन्हें मारना मत। अरे जल्दी भागो यहाँ से। लड़का तो उन खेत वालों का साथी है जो हमें मार रहे थे, इसकी वजह से हमें भूखा रहना पड़ा। मारो इसे। रुको, रुको। ये मेरे दोस्त है, ये मारने वाले नहीं बचाने वाले हैं। इन्होंने मुझे बचाया और मेरे साथ मेरी माँ को ढूंढ रहे हैं। लेकिन तुम्हारी माँ तो यहाँ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ बूढ़े जानवर है। इसका मतलब खेत खाने वाले सिर्फ यही झुंड नहीं है, और भी जानवर है जो इसे रोज खाते हैं। ये बताइए आप लोग खेत की फसल क्यों खाते हैं? अरे हम वहाँ ना जाए तो क्या करें? हम सब पालतू जानवर थे, लेकिन जब हमारी जरूरत खत्म हो गई, तो हमारे मालिकों ने हमें छोड़ दिया। इनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई बजरंगी आइडिया निकालना होगा, और इसकी माँ उन्हें ढूंढने के लिए कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। ये जानवर कभी आप ही के घर में रहते थे, आपके लिए काम करते थे, अब बूढ़े हो गए हैं तो भूखे रहने पर मजबूर है।
अरे हाँ हाँ, ये तो हमारे ही है। लेकिन अब हम इनको अपने घर में नहीं रख सकते, इनकी जगह दूसरे जानवरों ने ले ली है पनीर बनाकर, और मेरी यानी पनीर चंद की डेयरी में बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैंने कल देखा था कि सब रात में एक बंजर मैदान पर रहते हैं। हम वहाँ इनके लिए शेल्टर बना सकते हैं और गाँव के सारे घरों में इनके लिए खाना इकट्ठा करके दिया जाएगा। अरे इनका काम तो बचा कुचा खाने पर और फल सब्जियाँ को चिल्ले से भी चल जाएगा। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है अंकुश, हम इनके लिए शेल्टर बनाएंगे और इन्हें खाना भी देंगे। मुझे लगता है उन्हीं में से इसकी माँ हो। नहीं, आज किसानों की सब्जियाँ मार्केट में क्या आ गई? मेरी सब्जियाँ किसी ने खरीदी ही नहीं। अंकुश ने भोले जानवरों के लिए घर बना दिया है और उन्हें खाना भी मिल रहा है पनीर बनाकर। हैं? और किसानों के खेत कौन बर्बाद करेगा? मेरी सब्जियों का बिजनेस कैसे चलेगा? अरे पनीर चंद के होते हुए आप चिंता क्यों कर रहे हैं? मेरी डेयरी के जानवर तो है ना, पहले मैं उन्हें खुले जानवरों के साथ भेजता था और अब अकेले ही भेज दूंगा, तो खेत अब भी नहीं बच पाएंगे पनीर बनाकर। पनीर चंद हमें कुछ खाने को नहीं देता और रात में हमें खेतों में छोड़ देता है। तो पनीर चंद अपने पैसे बचा रहा है और सब्जी फसल खराब कर रहा है। उसको पकड़ना चाहिए, वो खुद हमारे पास आएगा। जब तक उसकी गाय भैंस उसकी डेयरी में नहीं पहुंचेगी, सब लोग शेल्टर में चलो। अरे कहाँ है मेरी गाय मेरी भैंस? उसके बिना मेरी डेयरी का क्या होगा? ये पनीर चंद पनीर कैसे बनाएगा? हो रही पनीर चंद, तुमने जानबूझकर हमारे खेतों में जानवर छोड़े। वो किंतु परंतु मैं वो भागो। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम्हारी सजा ये है कि अब तुम सबके खेतों में काम करोगे।